Jassi Jaisi Koi Nahin. हम बर्बाद हो चुके हैं, हर तरह से, और अब हमें सिर्फ कोहिनूर बचा सकती है, और कोहिनूर की मालिक जैसी. आप ठीक तो है ना सर? जैसी, जैसी, कभी कभी आंखें बंद करके चीजें ज्यादा साफ नजर आती हैं. एक बार ना एक आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाता है और वह रेलवे अधिकारी से पूछता, भाई साहब ये ट्रेन टाइम पर है? तो वो रेलवे अधिकारी कहते हैं, भाई साहब ट्रेन तो पटरी पर है. ननू तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो मेरी तबीयत को क्या होना है, वैसे की वैसी है. तो मैं तुम्हें इतनी देर से जोक सुना रहा हूँ और तुम्हें की... मैं क्या? तुम हंसी नहीं रही. किस पर हंसू? तुम मुझे पर हंसो ना चेष्टा. मुझे तुम्हें हंसाना है और तुम्हें आज हंसना है. इसी बात से पूरे ढाई हफ्ते टिके हुए हैं. आज ये मारू नंदू नथी. चेष्टा, आप तो मुझे तुम्हारा अपना नंदू इस फूल और गुब्बारे की तरह खिलता हुआ. चेष्टा, क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? कहो ना, वैसे मैंने खबर छे तुम मुझसे क्या कहने वाले, लेकिन फिर भी कहो कहो. तुमको कैसे खबर? अरे हर फिल्म में ऐसा ही तो होता है, या तो गार्डन में बोलते हैं या तो माउंटेन में जाके बोलते हैं. और कहाँ कह सकते हैं? कितनी सारी जगह है, जैसे कि 5-star होटल, कॉफी मॉल, डिस्को. यू शुड बी डिफरेंट एंड फनी, है ना? है ना? बोलो. पहले एक बात बताओ, मैं फनी हूँ ना? तुम्हें मेरी बातों पे हंसी आती है ना? हाँ. तो मैं यही बोल देता हूँ अभी इसी वक्त. थैंक यू. क्या हुआ सर? हाँ. कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हारी बैंक के साथ मीटिंग कैसी थी? बहुत अच्छी सर, मुझे लोन मिल गया. Good. Very good ना सर, मैं तो बहुत खुश हुई जब लोन ओके हो गया था. खुश तो मैं भी हूँ जैसी, लेकिन आज आज पता नहीं क्यों एक बात चुप सी रही. इतने दिनों तक मैं अपने डैड से झूठ बोलता रहा, अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता रहा, और अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर मैं कैसे खुश हो सकता हूं? जैसी, तुम्हारी बेबी के पास ऐसी कोई कहावत नहीं है जो मेरी सिचुएशन पे बिल्कुल फिट बैठे? इस तरह एक दिन आपने मुझे अपना ये रुमाल दिया था. इट्स ओके सर, आप जैसी जैसी तुम्हें पता है कि तुम कितनी फनी लड़की हो. तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं रो रहा हूं? बस तुम एक ऐसी लड़की हो जो मुझे हर हाल में हंसा सकती हो. बेबे, मैं बीमार हूं, पागल हूं, आवारा हूं, दीवाना हूं, खुश हूं. अरे मुझे पता है नंदू क्या क्या हो रहा है. बेबे मुझे लव हो गया है. नंदू
ये क्या कर रहे हैं? मुझे प्यार होने लगा है, प्यार होने लगा है। बेबी आप ही ना बस बच्चों की तरह। ये सब क्या है? अरे ये सब तू कहाँ समझेगी अमृत? बेबी आप दोनों में से कुछ छिपा रहे हो। देख ये सब कैसे हुआ ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जब हो रहा है सो हो रहा है, ये भी हो रहा है तो वो भी हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं बता सकती। ठीक है बेबी मत बताओ, मुझे भी नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। रुक 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 बताती हूँ। नंदू और अपनी जस्सी, जस्सी और नंदू, बात समझ में आ रही है ना? हो गया है तुझका तो प्यार सजनी, लाख कर ले तू इनकार सजनी। नंदू भी और नंदू का प्यार भी, दोनों पागल हैं। नंदू चेष्टा को कभी भी हंसा देता और चेष्टा के लिए यही उसका प्यार है। आज मैंने भी अरमान सर को हंसा दिया। अरमान सर ने कहा कि मैं ही हूँ जो उन्हें हंसा सकती हूँ, तो क्या ये हमारे प्यार की निशानी है? भला अरमान सर और मैं सच्चा प्यार, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। बेबी बेबी किसी की डायरी पढ़नी अच्छी बात नहीं है। बस बस एक पन्ना और पढ़ लूं। आ वाह वाह तो ये बात है। बेबी क्या पढ़ रही हो? अरे क्या पढ़ूंगी, इतने साल हो गए कह कह के हार गई, बूढ़ी हो गई कि जस्सी मुझे अंग्रेजी सिखा दे, अंग्रेजी सिखा दे। अब अगर पढ़ना भी चाहूँ तो क्या खाक समझ में आएगी तेरी डायरी? गुड, अंग्रेजी नहीं आती तो क्या हुआ, लेकिन तेरा चेहरा तो पढ़ सकती हूँ मैं। अच्छा क्या लिखा मेरी शक्ल पे? चल बैठ अभी बताती हूँ। पन्ना पलटा तो सामने बेबे की पोती जस्सी नजर आई, हमेशा की तरह खोई खोई सी, चेहरे का हाल आंखों में साफ नजर आ रहा है कि बेबे की पोती जस्सी को प्यार हो गया है। बेबे नहीं नहीं नहीं। अरे बैठ जा बैठ जा, मेरी बात ना मान, लेकिन किताब में तो यही लिखा है। आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे आपको प्यार व्यार के बारे में सब कुछ पता। क्यों हमारा दिल नहीं था? जब मेरी शादी तय हुई तब मैं अपने पापा जी से खूब लड़ी। क्यों? तेरे दादाजी का रंग भी बिल्कुल बिल्लू जैसा था, तो मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। तो मेरे पापा जी ने मुझे समझाया कि सुनहरे, वो प्यार से मुझे सुनहरे कहते थे, तो बोले कि देख प्यार तो अंधा ही होता है, जब दिल की आंख से देखेगी तब समझेगी। फिर शुरू शुरू में मुझे तेरे दादाजी से बहुत डर लगता था, लेकिन जब भी कभी वो मुझे अपने साथ बाहर घुमाने ले जाते तो मेरा हाथ ऐसे कस के पकड़ते हैं जैसे किसी बच्चे का पकड़ा हो। क्यों? मैं भी तेरी तरह खोई खोई सी चलती थी ना। पता है धीरे धीरे मुझे लगने लगा जैसे मैं इस हाथ को हमेशा से ही जानती हूँ, मेरा ही तो है ये। उन दिनों सड़कों पर सिर्फ अंग्रेज ही अपनी औरतों के साथ हाथ पकड़ के घूमते थे, लेकिन तेरे दादाजी ने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की। हाउ रोमांटिक बेबी। फिर मैं भी सोचने लगी, सचमुच प्यारी तो करने लगी थी मैं उनसे। सच बेबे प्यार अंधा होता है ना। कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, किससे हो जाता है, किसी को नहीं पता। गुड मॉर्निंग सर। Good morning to you too, Jassi. Sir? Sir, वो Bombay Times के journalist का phone आया था, आपके लिए। That's right. Sir, वो Valentine's Day special issue के बारे में आपसे कोई सवाल पूछना चाहते थे। शहर के सारे जाने माने लोगों से पूछ रहे हैं। क्या? Sir, यही कि इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्यार अंधा होता है? Love is blind? क्या? जी सर, अगर उनका फोन आया तो मैं क्या जवाब दूं? अबे गधे जो तूने शेयर में इन्वेस्ट किया है उसका डिटेल्स भी फाइल किए हैं ना?
अपने कान पे भी चश्मा लगवा ले, सुना तूने? जी अंकल जी। अबे सो रहा है क्या, रात भर गुरखागिरी करता है क्या? जा इन्वेस्टमेंट की फाइल दे मेरे को। ये क्या है, तेरा भेजा भी गया क्या? क्या अंकल जी, आपने कभी प्यार नहीं किया क्या? अच्छा तो ये बात है, दिमाग के साथ साथ तू अपना दिल भी खो बैठा, तभी तो मैं कहूं कि कथा कहलाने लायक तो तू है, लेकिन कुछ दिनों से तू दिन दिन पर सो क्यों रहा है? अबे कर दिया ना गुड़ गोबर, तू लड़का है कि लड़की? मर्द बन मर्द, लगता है तेरे को एक आध प्यार का नुस्खा मुझे सिखानी पड़ेगा। तूने कभी आशिक किया? अंकल जी आप मुझे आशिकी का नुस्खा सिखाएंगे? क्यों, आशिकी का कॉपीराइट तूने ले रखा है क्या? अबे सुधर जा, तुझे पता है ये बंदर के हाथ पर रूप की रानी लग जाती तो वो क्या करता है? क्या करता है अंकल जी? शो ऑफ, आगे बढ़ करके सबों को दिखाता है। क्यों, इससे अपनी भी मार्केट वैल्यू बढ़ती है ना? तेरे हाथ में रानी नहीं लगी। अंकल जी मेरे हाथ में रानी ही लगी है। तुम मेरी राय जानना चाहती हो कि मैं प्यार के बारे में क्या सोचता हूँ, है ना? वो जर्नलिस्ट जानना चाहती है सर, वैलेंटाइन डे के बारे में। प्लीज जैसी, तुम यहाँ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहती हो और यहाँ पर मैं और गुलमोहर इतनी बड़ी प्रॉब्लम में अटके हुए। मेरा लॉयर कहाँ है, वकील कहाँ है, दोनों सर, और मेरे सिर पे मत खड़ी रहना प्लीज। जी मैं राज सर से वकील के बारे में बात कर लेती हूँ। जैसी जी सर, राज से वकील के बारे में ही पूछना, प्यार व्यार के बारे में नहीं, समझे? जी नहीं सर। जी हाँ सर। प्यार सिर्फ गूंगा बहरा और अंधा होता है। बड़ी आराम से, ओके? आराम से। मुझे नहीं पता मैडी, इस ऑफिस में कैसे क्या लोग। परी, सब जानते हैं तुम्हारा क्या हाल है, ओके? कोई तुम पर नहीं चिल्लाएगा, ट्रस्ट मी। हाँ परी। क्या? मत दिखना यहाँ पे, जैसी। शू, तुम जानती हो ना परी बेबी की माँ बनने वाली है, क्यों इस तरह जानबूझ के परी के सामने आ जाती हो? डराना चाहती हो तुम परी को इस हाल में? हाँ तुम्हारा साया तक बेबी पर नहीं पड़ना चाहिए, कहीं बेबी थोड़ी भी तुम्हारी तरह निकला तो। परी परी आराम से, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। कुछ तो ख्याल किया करो जैसी दूसरों का। हाँ रफा दफा हो जाओ यहाँ से, शू हो जाओ, शू जैसी शू। गई परी गई, रिलैक्स। परी बेबी। पापा जी ऐसे कैसे हो सकता है, जस्सी और नंदू? देखिए पापा जी, अगर जस्सी अपनी बॉस से शादी करे ये बात तो मैं समझ सकती हूँ, भले ही मैं मानती हूँ कि उसका बॉस थोड़ा नाजुक है, लेकिन ये नंदू बाबा जी। अरे बेटा अमृत, क्यों इतनी फिकर करती है? बेबे आपने तो मुझे बहुत उलझन में डाल दिया है। अरे इसमें कैसी उलझन और कौन सी फिकर की बात है? हाँ देख, सारी जिंदगी माँ इसी बात की फिकर करती है कि एक दिन उसकी बेटी उससे दूर चली जाएगी। वो बात तो ठीक है बेबे। हाँ लेकिन अपनी जस्सी तो यहाँ बगल में ही होगी ना शादी के बाद भी। बेबे आप ही बताइए, मेरी समधन अब बिल्कुल मेरे पड़ोस बगल में, और ये मिसेज वर्मा, इसको तो अपने समधन के रूप में सोच के मुझे चक्कर आने लगते हैं। इस बार मैंने ईस्ट मीट्स वेस्ट वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ब्यूटीफुली और इंटरेस्टिंगली डिजाइन्स में ढाला है, ऑल काइंड्स ऑफ फैब्रिक, कॉटन लिनन, शिफॉन, खादी, और उनके साथ इंडियन ट्रेडिशनल ब्लेंड्स जैसे कि लखनऊ मीनाकारी, जरदोजी वगैरह। एंड एक्सेसरीज अंकल मैं आपको बता रही थी ना, लेस, बीड, सिल्वर गोल्ड थ्रेड, हम सब यूज करने वाले हैं। इस बार तो मैडी ने ठान लिया है कि वो यूरोपियन मार्केट्स को अट्रैक्ट करके ही रहेगा। नेचुरली मैं लोकल मार्केट को कॉम्पिटिशन की तरह मानता हूँ, एंड गुलमोहर हैज टू हैव एन एज। आप देखिएगा मिस्टर सूरी, मैं वेस्टर्न सोच को बिल्कुल इंडियनाइज कर दूंगा, इस साल हॉलीवुड के सारे स्टार्स सिर्फ गुलमोहर के डिजाइन पहनेंगे। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? मालिका हम हमेशा दो कलेक्शंस के बीच 3 या 6 महीने का अंतर रखते हैं, एक के बाद एक कलेक्शन कभी लॉन्च नहीं करते, सो व्हाई दिस टाइम, इस बार क्यों?
इसका अप्रूवल किसने दिया? इनफैक्ट ऑर्डर किसने किया? ये तो बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है। लगता है अरमान ने आपको बताया नहीं। मैरी, तुम बिना अरमान का सरप्राइज बिगाड़ दोगे तुम। यू नो अंकल, ये अरमान की नई बिजनेस स्ट्रेटजी है, वो आपको सरप्राइज करना चाहता था। आप उससे खुद ही पूछ लीजिए ना, वो आपको बता देगा। ये थ्रेड्स देखे आपने? ये कलर्स पे हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। रियली नाइस हाँ। अंकल को तुम्हारी नई बिजनेस स्ट्रेटजी बहुत पसंद आई। कौन सी नई बिजनेस स्ट्रेटजी? वही अरमान, एक कलेक्शन के फ्लॉप होते नया कलेक्शन मार्केट में लॉन्च करने। लेकिन मलिका, मैंने डैड को नहीं बताया कि कलेक्शन फेल हुआ है। मलिका, मैंने कहा था कि अगर डैड को बताऊंगा तो उन्हें शॉक लगेगा, इसलिए तुमने मुझसे झूठ कहा कि डैड जानते हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम नया कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं। मलिका, मैं झूठ बोलने की आदत पड़ गई तुम्हें अरमान। एक झूठ खत्म नहीं करते हो कि दूसरा शुरू कर देते। अब तो तुम्हें ये लिहाज भी नहीं रहा कि तुम किससे झूठ कह रहे हो। मलिका, डैड को किसने बताया? मैडी। मैडी उन्हें बताने ही वाला था कि मैंने बात को संभाल लिया। ओह थैंक गॉड, थैंक यू सो मच मलिका, थैंक यू सो मच। यू आर सच अ स्वीटहार्ट। नहीं अरमान, मैं तुम्हें बचा नहीं रही, सिर्फ एक और मौका दे रही हूं अपने डैड को सब कुछ सच सच बताने का। मलिका, मलिका, डैड मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, उन्हें धक्का लगेगा। रियली? मैं इस झूठ में और तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। तुम अंकल को सब कुछ सच सच बता दो या फिर मैं उन्हें बता दूंगी। कम ऑन मलिका, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं अरमान, मैं ऐसा ही करूंगी। अंकल को तुम बताओगे या फिर मैं? I'm sorry. Again, I'm sorry. Jassi, तुम प्रोडक्शन से कहकर अपने लिए एक ड्रेस सिलवा लो जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में आई एम सॉरी लिखा हो, और वो ड्रेस तुम हर रोज ऑफिस में पहन के आया करना। वैसे भी तुम्हारे अपने कपड़े तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के सॉरी स्टेट को खूब छिलकाते हैं। गुड टू हियर दैट विक्रम, कीप इट अप, कीप इट अप। ओ हाय अंकल। हाय बेटा, कैसे हैं आप? वापस कब आए? अब देख लो, हेल्थ वेल्थ दोनों ठीक। Well, actually, wealth के बारे में तो मुझे बात ही नहीं करना चाहिए। अंकल, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। अब बेटा, एक दिन सबको रिटायर तो होना ही पड़ता है, और सच कहूँ तो अपने हिस्से की भागदौड़ बहुत कर रही हूँ। अब मैं अपने घर की शांति एंजॉय कर रहा हूँ। And you deserve it, uncle, you deserve it. लेकिन यहाँ गुलमोहर की अशांति का क्या किया जाए? अशांति? ये अशांति थोड़ी ना है बेटा, ये तो एक्साइटमेंट है। अब देखो, पिछला कलेक्शन हिट हो गया, ये तो जश्न है, एक्साइटमेंट है, चहल पहल है। पिछला कलेक्शन हिट हुआ? सर वो अरमान, तुमने अपनी सेक्रेटरी को तमीज नहीं सिखाई? किसके ऑफिस में नॉक करके आना चाहिए उसे तो पता ही नहीं। एनीवेज जैसी, तुम बाहर इंतजार करो, हम कुछ बहुत जरूरी बातें कर रहे हैं। मलिका, तुम्हें जस्सी से इस तरीके की बात करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। या तो अंकल को तुम सब कुछ बता दो या फिर मैं।